हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के जोधेश्वर मंदिर में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका बेंगलोर में इलाज भी चल रहा था। हाल ही में शंकराचार्य आश्रम लौटे थे। धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका की शारदा पीठ और ज्योति मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने बचपन में इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने महज 9 साल की उम्र में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। इसी दौरान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती काशी पहुंचे और ब्रह्मालीन श्री स्वामी करपात्री महाराज से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। अपनी धर्म यात्रा के दौरान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें वाराणसी में 9 महीने और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा काटनी पड़ी। इस दौरान उन्हें करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 1950 में स्वामी स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बने और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली और 1950 में क्रांतिकारी साधु के नाम से फेमस हो चुके स्वामी को ज्योतिष पीठ के ब्रह्मालीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने दंड संन्यास की दीक्षा दी। इस दीक्षा के बाद उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाना गया। इस तरह धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु बन गए। धर्मगुरु शंकराचार्य ने राम मंदिर के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के दौरान अयोध्या में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा, हिंदुओं के सुप्रीम कोर्ट हम ही हैं। बीजेपी और विहिप अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हिंदुओं में शंकराचार्य ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए हिंदुओं के सुप्रीम कोर्ट हम हैं। मंदिर के मामले को कुछ लोग राजनीतिक रंग देना चाहते थे, यह हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। सभी के लिए बड़ी क्षति का विषय है और बड़ा दुख का समय है जो सहा नहीं जा सकता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य शंकराचार्य जी महाराज जो सनातन धर्म के प्रति हमेशा अड़िग रहे हैं, किन्हीं भी विषयों पर बोलना, किसी विषय में और किस तरीके से समझाया जा सकता है, उस तरीके से वो अपनी बातों को रखते थे। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख का समय है जिससे हमें उभरना होगा एक दिन, और आज सबसे पहले तो मैं उन पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि अपने समर्पित करता हूँ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पिछले हफ्ते ही 3 सितंबर को हरियाली तीज के दिन अपना 99वां जन्मदिन मनाया था, जिसमें मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद के निधन पर राज्य के CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने स्वामी स्वरूपानंद के निधन पर शोक व्यक्त किया। स्वामी स्वरूपानंद दिग्विजय सिंह के गुरु थे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। PM मोदी ने भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए गंगा कुंड पर रखा गया है। सोमवार शाम करीब 4 बजे उन्हें समाधि दी जाएगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए कई VIP लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।